सो हे गाइस, वेलकम टू दी चैनल। मकर संक्रांति आने वाली है और आज मैं आपको घर पर मांजा कैसे बनाते हैं वो दिखाने वाला हूँ। इसमें हम एक ऐसा सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे जिससे आपका मांजा बिल्कुल मार्केट जैसा बन करके तैयार होगा। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, सबसे पहले हम कांच का पाउडर बनाएंगे, तो इसके लिए यहाँ पर मैं ग्लास यूज कर रहा हूँ। आप इसकी जगह पर कोई वेस्ट बल्ब का भी यूज कर सकते हो। अब हम इसका पाउडर बनाएंगे। बाय द वे, ये कांच का पाउडर बाजार में भी अवेलेबल है। अगर आप इसे घर पर बना रहे हो तो बड़े के सुपरविजन में ही बनाना। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कांच का पाउडर बना करके तैयार कर दिया है और जैसे कि आप देख सकते हो ये इतना बारीक है कि मैं इसे इजीली टच कर पा रहा हूँ। अब इस ग्लास पाउडर को हम पेपर में ट्रांसफर कर देंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर मैं उबले हुए चावल ले रहा हूँ, ये नॉर्मल बॉइल्ड राइस ही है। अब हम इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे जो कि है सोप। इस सोप का हम पाउडर बना देंगे और इस सोप के पाउडर को हम चावल में डाल देंगे। यही सीक्रेट इंग्रेडिएंट मार्केट वाले भी डालते हैं अपना मांजा बनाने के लिए। इसे डालने से पेस्ट में बाइंडिंग आएगी और सारे उबले हुए चावल एक दूसरे के साथ जॉइंट हो जाएंगे। अब इस राइस के पेस्ट में हम रेड फूड कलर डालेंगे। आप इसकी जगह पर कोई भी कलर डाल सकते हो या इसे कम्प्लीटली स्किप भी कर सकते हो। अब इसमें हम कांच का पाउडर भी डाल देंगे जो हमने पहले बना के रखा था और इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये लीजिए, हमारा मांजा का पेस्ट बन करके तैयार है। इसे हम एक बाउल में ट्रांसफर कर देंगे। तो अब दूरी को रंगने के लिए यहाँ पर मैं चैलेंज का ट्रेलर यूज कर रहा हूँ। ये नो कॉर्ड की दूरी है। तो अब नेक्स्ट, दूरी को लपेटने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ इस टाइप का सेटअप बना करके तैयार कर दिया है। मैंने दोनों साइड दीवार पर ये पाइप को फिट कर दिया है। आप अपनी अवेबिलिटी के हिसाब से कोई भी सेटअप बना करके तैयार कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट, हम इस पूरे ट्रेलर को इन दोनों पाइप पर लपेट देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पूरे ट्रेलर को लपेट दिया है जैसे कि आप देख सकते हो। अब नेक्स्ट, हमारा चावल का पेस्ट लेंगे जो हमने पहले बना करके तैयार किया था और इसे हम दूरी को रंगना शुरू कर देंगे। और धागे के ऊपर आपको जो भी बड़े बड़े चावल के दाने दिख रहे हैं वो सूखने के बाद अपने आप ही निकल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने सारी दूरियों पर अच्छे से रंग दिया है और ये बिल्कुल मार्केट जैसी दूरी दिख रही है। अब इसे हम एक दो घंटे के लिए धूप में सूखने देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा मांजा अब धूप में सूख करके तैयार हो गया है। अब हम इसे एक फिरकी में लपेट देंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सारी दूरी को इस फिरकी में लपेट दिया है और ये हमारा मांजा बन करके तैयार है। तो चलिए अब इसे मार्केट वाले मांजे से कंपेयर करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने देखा, हमारा घर वाला मांजा एकदम इजीली जीत गया है। तो चलो फिर से एक बार टेस्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सेकेंड टाइम भी हमारा घर वाला मांजा ही जीत गया क्योंकि हमने इसमें कांच थोड़ा ज़्यादा डाला था तो ये मार्केट वाले मांजे को इजीली कट कर पा रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये आइडिया यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।